नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। बहस इंडिया की है, लेकिन शुरुआत इजराइल से करते हैं। तेल अवीव में प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों ने हमास के खिलाफ ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया और मांग की कि हमास के जिन इजरायली औरतों बच्चों को बंधक बना रखा है उन्हें रिहा करें। क्या आपने हमारे यहाँ भारत में इस तरह का कोई प्रदर्शन देखा है, किसी सियासी पार्टी का या फिर किसी मजहबी दुकान का? नहीं देखा होगा। क्या इसलिए तो नहीं कि हमारे यहाँ लोग सेलेक्टिव हैं? पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस पर आते हैं। गाजा में इजराइल के हमलों का 38वां दिन है। इजराइल रोज हमास को ठोक रहा है और उसके वीडियो भी दिखा रहा है। इजराइल के दूसरे तरह के भी वीडियो हैं, जिनमें उसके सैनिक फिलिस्तीनियों पर नरम हैं, उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं। स्टैंड साफ है, हमास की खैर नहीं, फिलिस्तीनियों से बैर नहीं। इजराइल को कोई मतलब नहीं कि कोई उसे क्या कह रहा है और क्या जोड़ घटाना कर रहा है। भारत में 5 राज्यों के चुनाव प्रसार में शुरू के दिनों में खूब गाजा हमास इजराइल फिलिस्तीन हुआ। इजराइल को विलेन और फिलिस्तीनियों को बेचारा बताकर वोट बैंक की फिक्र की गई। फिर दूसरे मुद्दे आगे आए तो इस पर ब्रेक भी लगा, लेकिन आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिर फिलिस्तीन ले आई। प्रियंका कहीं प्रचार पर नहीं थी, उन्होंने ट्वीट किया, निंदनीय और अपमानजनक घटना, गाजा में 10,000 से ज्यादा की मौत, मरने वालों में आधे बच्चे हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन नरसंहार का समर्थन करने वालों की अंतरात्मा उन्हें झकझोरती नहीं है। कोई युद्ध विराम नहीं, सिर्फ हत्याएं। विनाश का समर्थन करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। प्रियंका ने मैसेज दिया कि फिलिस्तीनियों से हमदर्दी सिर्फ कांग्रेस को है। वोटर को इशारा दिया तो बीजेपी ने भी पूछा, ये फिलिस्तीन से हमदर्दी है या हमास से? कि यदि प्रियंका वाड्रा को मासूमों की असलियत में चिंता है तो बताइए कि क्या एक भी बार जो हमास ने आतंकी हमला किया जिसमें 1400 मासूम लोग मारे गए, क्या उनका खंडन करने का काम कांग्रेस के CWC रेजोल्यूशन में या सोनिया गांधी के लेख में या प्रियंका वाड्रा जी के ट्वीट में हुआ है? इस समय हमास से बड़ा आतंकवादी इसराइल बना हुआ है, जहां पर 8-9 हज़ार के करीब 10-12 साल तक के बच्चे मारे जा चुके हैं। हम ऐसे सभी प्रयासों की निंदा करते हैं। कांग्रेस ने अभी तक सीधे सीधे हमास की निंदा नहीं की है। बीजेपी का आरोप है कि यही कांग्रेस का तुष्टीकरण है, जो देश का माहौल बिगाड़ता है। तुष्टीकरण को लेकर ही आज पीएम मोदी ने एमपी की रैली में कांग्रेस पर हमला किया और उदाहरण राजस्थान में लगे सिर तन से जुदा के नारों का दिया। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। ठीक है, तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय करा देता हूं। दीपक वोरा साहब, एम्बेसडर दीपक वोरा डिप्लोमेट है और बड़े सक्रिय तौर पर पूरी दुनिया में काम करते हैं। सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, साथ ही साथ दानिश कुरैशी जी हैं, लीडर है AIMIM के, अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं, राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुरुआत कैप्टन साहब आपसे करता हूँ। आज प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया, ओवैसी साहब भी बड़े नाराज हैं, गाजा के लोगों के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन ओवैसी साहब ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं कहा? और अभी मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा बंधक जो हैं अभी हमास के कब्जे में हैं, आज तक उनको छोड़ने के लिए कोई प्रदर्शन भारत में क्यों नहीं हुआ कैप्टन साहब? देखिए, इनकी दुकान इसीलिए ऐसी चलती है, जो वैसी साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी दुकानें ही इसीलिए चल रही है। मुसलमानों का तुष्टिकरण करते चले आ रही है, मुसलमान खुद समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने गुमराह करते चले आ रहे हैं। 75 सालों से उन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया है। अगर वो इन पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने पंचर जुड़वाया है या दरिया बनवाई, तो कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। और ये मैं कई बार मंच के ऊपर कह भी चुका हूँ कि इन लोगों की जो टोटल राजनीति है मुसलमानों में घृणा पैदा करना है देश के खिलाफ या वहाँ की सरकार के खिलाफ। इस समय उनको पूरा मौका मिल गया है। हमास आतंकवादी संगठन है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये कि यहाँ पर उनका प्रदर्शन क्यों करेंगे? उनका वोट बैंक खिसक जाएगा मिस्टर ओवैसी का, उधर कांग्रेस का भी यही हाल है, उनका वोट बैंक मुसलमान खिसक जाएगा, मुसलमान उनका वोट बैंक है सिंपली। इस वजह से
ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की उन्होंने उठापटक कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग हाईलाइट में रहे कि साहब हम लोग मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमास को सपोर्ट करना यानी मुसलमान को सपोर्ट करना, यानी आतंकवादी सारे मुसलमान बना दिए, और कुछ मुस्लिम संगठन भी भारत के अंदर ऐसे जो खुल करके हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लखनऊ के अंदर कई एक संगठन ऐसे हैं जो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं धीरे धीरे, सपोर्ट करते करते वो देशद्रोही हो जाते हैं, उनके मुंह से निकले शब्द देशद्रोह की तरफ जाते हैं, लेकिन इनको कौन समझा, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। वो वैसी साहब तो बैरेट लॉ है, काफी उनके अकल है, उनकी फॉलोइंग है, वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब भी आते हैं नफरत वाली बात होती है, सीधी सी बात है ये। हमास को ये नहीं कहते, कभी मुंह खोल के नहीं कह रहे, अब यहाँ के बहुत से शिया ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कहती कि ईरान सपोर्ट करता है हमास को या हिजबुल्लाह को और तालिबान को सपोर्ट किया, क्यों नहीं खुल के कहते हैं, सबकी बोलती बंद है। वहां जो उन्होंने 200 को कैद कर रखा है, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, इसके लिए क्यों नहीं एहतजाज करते, क्यों नहीं एजिटेशन करते, बाहर निकल कर आए ना कि हमास से अपील करें साहब उनको छोड़िए, उनको छोड़ा जाएगा तो ये हमला बंद कर देगा इसराइल, तो आपकी जान भी बच सकती है, करते ही नहीं है। ठीक है, सीधे दानिश कुरैशी साहब के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी, लेकिन पहले मैं एक बात साफ कर दूं, इस बहस में मैंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था, बीजेपी को भी बुलाया था, कांग्रेस को भी बुलाया था, लेकिन वो इस मुद्दे पर जुड़ना नहीं चाहते थे। अब मैं यहाँ से दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी जी, एक अभी फिलिस्तीन को लेकर इतनी बड़ी रैली की, तो उसमें यह भी कहते हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है, ये क्यों नहीं कहा दानिश कुरैशी जी? और आप चलिए आप कह दीजिए कि भाई उनके जो औरतें और बच्चे जिनको बंधक बनाया है वो गैर इस्लामिक है, उसे छोड़ दिया जाए, बोलिए दानिश कुरैशी। देखिए दीपक भाई, ये पैनल पे जितने बैठे हैं ना, जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात बताऊं और भारतीय जनता पार्टी की सोच पे भी मैं बता दूं। दरअसल दिक्कत क्या है कि वो आगे हम बढ़े, हमास के पास एक अपील तो कर दीजिए हमास से कि छोड़ दीजिए भाई, ये गैर इस्लामिक है, बोल दीजिए ना। अच्छा, औरतें बच्चों का अपहरण करके उनको बंधक बना लिया जाए, ये लिखा है कहीं कुरान में? माफ कीजिएगा, आपके सबसे पाक ग्रंथ का हवाला दे रहा हूं, अगर कहीं लिखा हो और वो सही हो तो मुझे बता दीजिए जरा, मैं अब जवाब दूं? सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। नहीं नहीं, बात सुनिए मेरी, बात उधर की और इधर की अगर आपने शुरू की है तो अंत तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा, तो मैं यही पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, आप भी समर्थक है ना इस बात के कि महिलाओं और बच्चों को बंधक ना बनाया जाए? दीजिए कि जिस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अच्छा जो बच्चे इसराइल के हमास के पास है वो छोटे और मासूम नहीं है? उसके क्या उसके लिए एक शब्द निकला? नहीं नहीं, जो बच्चे, अरे आपको पता है भारत पहला था, भारत पहला था जिसने महमूद अब्बासी को फोन किया, हमने गाजा में मदद भेजी, हमने वेस्ट बैंक में मदद भेजी, आपको पता है दानिश कुरैशी जी? ये बोलिए मोदी साहब ने अच्छा काम किया, बोलिए फिर क्या, बोलिए ना मोदी साहब ने अच्छा काम किया, बोलिए हमने फिलिस्तीन को मदद भेजी इस तरह की। और आप ये भी बोलिए, ये भी बोलिए कि जो औरतें और बच्चे मारे इसराइल के और जिनको बंधक बनाया वो भी गलत है, ये भी बोलिए, दोनों चीज बोलिए ना। नहीं नहीं, आप खत्म करें तो मैं बोलूं, आप तो बीच में बोल लेने। अरे आप सवाल का जवाब नहीं देते ना। अच्छा, इजराइल के बच्चे बच्चे नहीं है, उनको मारना ठीक है, अब सुनिए, अब गाजा के बच्चे बच्चे हैं, अब जवाब, इजराइल के बच्चों को बंधक बना लिया चलेगा क्योंकि उम्मा है भाई, इस्लामिक ब्रदरहुड। अब सवाल बंधक बनाने वाला मुसलमान है उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे आप? सवाल ये है, सुनिए, अब सवाल यहां ये है, मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह की बर्बरता सेल्फ डिफेंस के नाम पे की जा रही है, मुझे ये बताइए क्या आपके हमारे बच्चे होते, जो बर्बरता पहले दिन से चल रही है अब तक, क्या हम बर्दाश्त कर सकते थे? अच्छा ये बताइए, हमास ने जो 1400 को मारा वो बर्बरता नहीं थी? अपना राजनीतिक मफाद ढूंढने निकलते ना भाई, हमास ने जो 1400 को मारा वो बर्बरता नहीं थी दानिश कुरैशी जी, उसको भी बर्बरता कहिए? आप सब लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं, आपको उम्मा करना है। मैंने ये कहा कि पहले दिन से 7 अक्टूबर से लेकर, बोल दीजिए ना, बोल दीजिए फिर, हमास ने 1400 लोगों को मार के गलत किया, बोल दीजिए ना एक लाइन। तो कह रहा हूँ कि उस पर इतनी खामोशी और जो स्टैंड है सारी दुनिया का, जो सारी दुनिया की ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं वो खामोश हैं। वॉर क्रिमिनल्स मतलब जो मामले बनते हैं, जिस तरीके का परिस्थिति उनमें, तो हमास के खिलाफ 1400 लोगों मारने का क्या मामला बनता है बताइए? ऊपर से हमास की बात कर लीजिए ना दानिश कुरैशी जी, शुरू किससे हुआ? मुझे ये बताइए क्या स्टैंड होना चाहिए उस पर हमारा? हमारा स्टैंड साफ है, हमने महमूद अब्बासी को फोन किया, सॉरी गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का, प्लीज मुझे रिकन्फर्म करिए, मुझे लग रहा है मैं शायद गलत नाम ले रहा हूँ, हमने उनको फोन किया, हमने उनको मदद भेजी, टाइप कर रहे हैं
और दुनिया भर के लोग अपील कर रहे हैं हमास से कि बच्चों और उनको छोड़ दो, और जब तक बच्चों को छोड़ेंगे नहीं हमला होता रहेगा, पर नहीं छोड़ना है साहब दानिश कुरैशी को, नहीं नहीं तो हमास के बारे में कुछ नहीं बोलना है, ठीक है भाई मुसलमान है ना, फिर सुनिए तो फिर सारे कानून जो रखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर बहस करने वाला ही हम लोग बेवकूफ हैं जो पैनल में बैठे हैं, क्योंकि अगर वो इधर मारेंगे छोटे छोटे बच्चों को मारते रहेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि इसने वहां कर दिया उसने वहां कर दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये कह दीजिए हमास को कि भाई वो 200 बच्चों और महिलाओं और बूढ़ों को बंधक बनाया है, छोड़ दे उनको, इतनी अपील कर दीजिए ना, आपकी तो सुनते हैं सर, सब जानते हैं बैरिस्टर साहब कौन है वहां पे फिलिस्तीन में, सब जानते हैं IMIM को, सुनिए कि एक पार्टी है जो इत्तेहाद कराती है मुसलमानों का, सुनिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत पहले दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, खुद मैंने आपकी पैनल में बैठ के ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि भारत एक ताकतवर हमारा मुल्क है और भारत के प्रधानमंत्री इसके अंदर में इंटरवीन करें ताकि शांति बहाली हो, अगर आपको याद नहीं है तो फिर मुझे मैं क्या बताऊं। चलिए बहुत अच्छी बात कही, और भारत ये प्रयास कर रहा है, हमने महमूद अब्बास को फोन करके बताया कि जो हो रही है हिंसा उसकी चिंता करते हैं, हम उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि हमास उन बच्चों और मासूमों को छोड़ दे, 38 दिन से पकड़ रखा है। अरे ईरान जैसा मुल्क अगर ये कहता है कि भारत ये काम कर सकता है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बाइस फक्र है हमारे मुल्क के लिए। गदेवाज सूरज किधर से उगा था अहमदाबाद में, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं दानिश कुरैशी, सूरज किधर से उगा था आज, अरे सूरज किधर से उगा था भाई, मोदी जी की तारीफ हो रही है, मोदी जी की सारे कसीदे पड़े जा रहे हैं, फिर आप मिस्टेक कर रहे हैं। सुनिए मैं पश्चिम से क्या सूरज है, भारत की जो पहचान है ना वो आजादी के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों ने काम किया है उसकी बदौलत है, एक व्यक्तिगत उनकी भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी, आप चाहते ही नहीं बैरिस्टर ओवैसी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी की तारीफ करने लगे, आप चाहते ही नहीं, आप गलत है यार, मतलब पार्टी के खिलाफ है आप दानिश भाई, जो देश के प्रतिनिधित्व तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वही रखेंगे, तो हमने अपनी बात रखी, अगर गलत है तो बताइए, इतनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि हमास का हमला एक आतंकवादी हमला है, एक लाइन बोल दीजिए मोदी जी को, आज आप मान रहे हैं तो बोल दीजिए, कहा उनके स्टेटमेंट में लिखा है कि हमास का हमला आतंकवादी था, बताइए, हाँ लिखा हुआ है भैया, उन्होंने कोई और हमला बनाया जो हमास ने किया था जिसके बारे में लिखा हुआ आतंकवादी हमला था, बताइए मुझे बताइए, इजराइल पर जो हमला हुआ आतंकवादी हमला था तो ये प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं, जो पैनल में बैठे लोग हैं ना दरअसल इनकी परेशानी यही है, आपकी परेशानी मुझे समझ में आ रही है, पैनल के बाकी लोगों को नहीं है, आपकी परेशानी, खोखली राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का बसस है, ठीक है। चलिए देखिए आज मोदी जी भी अच्छे लग गए लेकिन जवाब नहीं दे रहे वो कि हमास ने जो किया आतंकवादी है या नहीं, इसका भी जवाब नहीं दे रहे कि फिलिस्तीन के लिए आप आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है पर उन मासूम बच्चों और उनको तो छोड़ दें भाई, 200 लोग, और जब तक वो छोड़ेंगे ना इसराइल तब तक हमला करता रहेगा, और ये नहीं चाहते कि उनको छोड़ा जाए, तभी तो भाई इनकी दुकान जमेगी, फिर इनको मुस्लिम देशों से चंदा मिलेगा, फिर हमास अपनी फैक्ट्री बढ़ाएगा, फिर वहां से कुछ इल्लीगल धंधा होगा, यही सब है ना दानिश भाई, सुनिए मेरी बात, अब जवाब सुनिएगा, देखिए इत्मीनान के साथ में मुझे ये नहीं, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत टाइम दे दिया कैप्टन साहब की बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी राग बोलते रहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, तो क्या वो जानबूझ के ये चला रहे हैं सब, या उनका अपना कुछ मफात है, बताइए मुझे, सही बात, क्या मफात है, जब कंट्रोल में सब कुछ सरकार के है तो फिर कैसे दानिश कुरैशी या और कोई दूसरा पैनलिस्ट वहां जाके कुछ करेगा, बताइए, सही बात है, आपको तो चले जाना चाहिए दानिश भाई, टिकट मैं दे देता हूं, जाइए खड़े हुए उन लोगों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप भी भाजपा की लाइन में आ गए, मेरा भाजपा से क्या लेना देना सर, मैं उनको भी गाली निकालता हूं, माफ कीजिएगा ये शब्द बोला, मैं उनको भी आलोचना करता हूं, आपकी भी करता हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं भाई, और मैं आपकी आलोचना पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना जिस दिन छोड़ दूंगा तो मेरे को डिबेट कौन देखेगा, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे AIMIM हो, मैं सुशील पंडित जी के पास जाता हूं, सुशील पंडित जी दानिश कुरैशी जी की क्या मजबूरी है बताइए, MSZ साहब उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मजबूरी बहुत साफ साफ दिखती है दीपक भाई, इनसे कोई पूछे कि हमास ने जब इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था तो क्या सोच के हमला किया था,
उन्होंने क्या सोचा था कि नेतन्याहू कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो 26/11 के हमलों के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? उन्होंने क्या सोचा था कि 250 इजरायली बंधकों को आप पकड़ लेंगे, छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को पकड़ लेंगे तो क्या करेगा इजराइल? क्या सोचा था कि ये जो कंधार में जो भारत की हालत हुई थी वही हालत आप कर देंगे इजराइल की, घुटनों पे ले आएंगे उसको? ये सोचा था? गलत नंबर डायल किया आपने। और आज अगर आप भुगत रहे हैं, छाती कूट रहे हैं, तो देखिए, झांकिए अपने गिरेबान में कि आपने क्या किया था 7 अक्टूबर को। गले रेत दिए थे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, वो भी बच्चे ही थे ना। आज भी आप 80-80 बरस के बूढ़े लोगों को बंधक बनाए हैं फिरौती की तलाश में कि एक्सचेंज करेंगे, इज़राइल को घुटनों पर लाकर उससे कुछ मनवाएंगे, ये सोच कर ना। और क्योंकि इज़राइल घुटनों पर नहीं आ रहा है, क्योंकि इज़राइल आपकी अनाप शनाप मांगे नहीं मान रहा है, और इज़राइल चुन चुन के हमास को ढूंढ रहा है आपकी सफों के बीच में, आपके अस्पतालों में, आपके स्कूलों में, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तो आज आप अगर किसी पर दोष मढ़ना चाहते हैं तो गिरेबान में झांकिए कि आपने 7 अक्टूबर को इज़राइल के साथ क्या किया था। आप किताब को 50वें सफे से पढ़ना बंद कीजिए, पहले सफे से पढ़िए क्या हुआ था, वरना इसी तरह आप छाती पीटते रहेंगे, बार बार छाती पीटेंगे। और अब दुनिया में यह सब्र खत्म हो गया है कि आप कौन हैं, कहां हैं, इस्लाम के नाम पर, उम्मा के नाम पर, इसके नाम पर, अल्लाह के नाम पर, या किसी तरह भीख दे दें, वो नहीं चलेगा। दुनिया का सब्र खत्म हो गया है, दुनिया कीमत वसूलेगी और आपको अपने अलामात के जायज जो उसके फल हैं वो मिलेंगे, और आपके चक्कर में बहुत से मासूम भोगेंगे उस फल को। उन बच्चों का क्या कसूर है गजा में जो आज बमबारी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपने हमास को पनपने दिया, अपने बीच रॉकेट छोड़ने के लिए अलाउ किया। बताइए अतिको रहमान साहब बैठे ना, बताएंगे वो। अतिको रहमान साहब पहले बता दीजिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस लाइन से शुरू करिएगा, जो तकरीर देना हो दीजिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, पर पहली लाइन नहीं होनी चाहिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। जी पहले भी मैं आपको कह चुका हूं दीपक जी, मगर आप भूल जाते हैं या भूलने का बहाना बनाते हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन है। हाँ दानिश भाई, अब सुन लीजिए, दानिश भाई देखिए, अतिको भाई ने बोल दिया, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना दानिश भाई, अरे दानिश भाई पूरा नहीं हुआ है, ये ब्रिटेन और इजराइल की कठपुतली है हमास। दानिश कुरैशी जी को, ये दानिश कुरैशी जी जुड़े हुए हैं क्या, बताइए मेरे को दीपक जी, मैंने पूरा, अरे दानिश भाई ये बताइए ना एक मिनट, हमास आतंकवादी संगठन है? अतिको रहमान साहब कह रहे हैं हमास एक आतंकवादी संगठन है, नहीं नहीं दानिश भाई की सुन लेते हैं ना एक मिनट। अरे भैया ब्रिटेन और इजराइल, देखिए हमारे यहाँ एक पैनलिस्ट, हमारे यहाँ एक पैनलिस्ट भी है एम्बेसडर साहब, वो एम्बेसडर साहब खुद ये कह रहे हैं कि रेशियो 1:10,000 होना चाहिए, वो बच्चों के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद भी आपको अभी तक वही याद है दीपक भाई? नहीं, अरे अतिकुर कह रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, आप भी बोल दीजिए, ये अतिकुर भाई का भाई टाप बोले तो बैरिस्टर ओवैसी साहब को पहुंचवा दीजिए। मैंने तो आपसे पूछा कि क्या मोदी जी ने कहा? हाँ मोदी जी ने कहा, तो नहीं कहा इसराइल के अटैक वाली बात कही, किसके लिए कही वो, कहीं इसी और दुनिया के लिए कही क्या? कर दिया उसको गजब है, तो हम गजब है, आप करिए। चलिए अतिको रहमान साहब को बोलने दीजिए, वरना वो करेगा आर्टिकल 19 के खिलाफ काम कर रहा हूं, बोलने की आजादी पर रोक लगा दी मैंने, आरोप लग जाएगा मुझ पे भाई। दानिश जी दीपक जी फुल स्टॉप नहीं था, हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि ब्रिटेन और इजराइल का पपेट है, फुल स्टॉप, कॉमा को फुल स्टॉप समझ लेते हैं आप। दूसरी बात, सुशील पंडित जी बहुत सही कह रहे हैं आज के, सुशील पंडित के हिसाब से आज ये दुनिया बेसब्री हो गई है। आपने 200 बंधकों के हासिल करने के लिए प्रीमेच्योर बेबीज को बगैर इंक्यूबेटर्स के छोड़ दिया है मरने के लिए,
ये है दुनिया का बेसब्रापन। सुशील जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बेसब्री दुनिया इसी तरह से ये इनक्यूबेटर्स के बगैर बच्चों को मरने देगी और आप देख रहे हैं आप और आप है, अरे वो तस्वीरें निकालिए भाई, इजराइल ने वहां पर वो डीजल भेजा और हमास ने कहा कि हमको डीजल नहीं चाहिए अस्पतालों को चलाने के लिए, इजराइल का डीजल नहीं लेंगे, यहूदी लोगों का डीजल है वो नहीं लिया उन्होंने, मैं दिखाता हूँ वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ। अरे इस्लामिक अतिकुर भाई आप इस्लामिक रिसर्चर है, थोड़ा ढंग का रिसर्च कर लिया करिए। ताकतवर मुल्क इजराइल इतना बेसब्रा हो गया है कि उसको प्रीमैच्योर बेबीज को मारना पड़ रहा है। अच्छा जो इजराइल के बेबियों को उन्होंने बंधक बना रखा है 38 दिन से उनके बारे में बोल दीजिए ना, कितना इस्लामिक काम है बच्चों बूढ़ों को बंधक बनाना, ये कुरान में कहां लिखा है कि बच्चे बूढ़ों को बंधक बना लिया जाए, बताइए ना अतिकुर साहब, आप तो आपने तो पढ़ी है पाक कुरान आपने पढ़ी है। मैं आपके माध्यम से जी न्यूज के माध्यम से अपील करता हूं हमास से, जो कि एक कठपुतली है ब्रिटिश और इजराइल का, कि कुरान इजाजत नहीं देता है बंधक बनाने का, तुरंत तुरंत उन बूढ़े बच्चों और औरतों को, बूढ़ों को औरतों को और बच्चों को रिलीज कर दिया जाए। अगर हमास मुसलमान है तो अल्लाह बहुत सख्ती से निपटेगा इनके साथ में, क्योंकि कुरान और अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता है। अच्छा ये राजीव भाई से पूछते हैं, राजीव भाई इजाजत देता है क्या कहा आपने? दानिश भाई से पूछ लेते ना, इजाजत देता है दानिश भाई औरतें और बच्चों का अपहरण करने की, हाँ या नहीं जवाब दीजिए। सुनिए सुनिए मैंने मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अरे देता है या नहीं कि आप याद नहीं रख पाते, मैंने पहले भी कहा था कि न सिर्फ इस्लाम की बात है लेकिन दुनिया के किसी भी मजहब में इन चीजों की इजाजत अमूमन लगभग नहीं है। लगभग कहाँ से आ गया भाई, लगभग कहाँ से आ गया, मैं सीधे एम्बेसडर साहब के पास जा रहा हूँ, एम्बेसडर साहब ये रोना सिलेक्टिव क्यों है, क्या सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए, मैं तो खुला पूछ रहा हूँ, मैं खुला पूछ रहा हूँ, बच्चों को मारा जाए ठीक ठीक बात है, आपके बच्चे बच्चे इसराइल वालों के बच्चे बच्चे नहीं, यही चाहते हैं आप एम्बेसडर साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे सीखता हूँ, और बाकी जो आपके पैनल पे लोग हैं पंडित साहब की मैं बात सुन रहा था, 120% उनके साथ मैं सहमत हूँ। सर अगर मुझे एक मिनट दे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर हमास को इतना दुख है कि पैलेस्टीनियन लोग जो बेकसूर हैं मारे जा रहे हैं, तो सर दो चीज़ें बड़ी आसान हैं जो मैं समझता हूँ, पहली चीज़ ये कि आप बंधकों को छोड़ दीजिए, दूसरा आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं सर, मेरी 72 साल की उम्र है, 71 की लड़ाई से पूरी तरह वाकिफ हूं, कई पाकिस्तानियों ने हमसे कहा कि हमने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने और खून खराबा हम नहीं चाहते थे, सही है गलत है आप विश्वास करें ना करें, उन्होंने कहा कि हम बचाना चाहते थे निर्दोष लोगों को तो हमने हथियार टेक दिए। हमास अगर ये कर देता इसराइल खामोश हो जाता, लोग ना मरते, इंक्यूबेटर में बच्चे वगैरह ना मरते, पर वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ सर, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नरसंहार शब्द का प्रयोग किया है, मतलब जानते हैं इसका सर? सर मैं पोलैंड में आपका राजदूत था और जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है मैं उन्हें आमंत्रण करता हूँ, उन्हें निमंत्रण देता हूँ, वहाँ पे एक जगह है ऑश्वियंशन, पोलिश में कहते हैं, इंग्लिश में उसको ऑश्विट्स कहते हैं, जहाँ पर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, और सर वहाँ पर छोटे बच्चों के स्कूल बुक्स पड़ी हुई हैं यहूदियों की, उनकी यूनिफॉर्म्स पड़ी हैं, बूढ़ों के जूते पड़े, 3 दिन तक मैं भोजन नहीं कर पाया सर, उसके बाद मैं कभी नहीं गया वहाँ पर, अगर कोई मुझे कहता भी था कि मुझे ले चलो ऐतिहासिक जगह है मैं नहीं जाता था, मैंने कहा आप अंदर जाके देख लीजिएगा। तो ये जो हुआ है 7 अक्टूबर को सर, अगर आप जेनोसाइड की बात करते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, तो ये कैसे है कि गाज़ा पट्टी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जेनोसाइड कहाँ हो रहा है सर? इसराइल तो अपने आत्मरक्षा के लिए काम कर रहा है, हमेशा से यही कहते आए कि आप सरेंडर कर दीजिए, वील स्टॉप, पर वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, अस्पतालों का प्रयोग हो रहा है, सारी दुनिया ये मानती है। और एक फाइनल चीज़ सर, हिटलर की जो ट्रूप्स थी SS जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने यहूदियों को मारा था, आपको एक चीज़ बताऊँ सर, वो ड्रग्स खा के मारते थे, और शाम को, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है मैं कोई कहानी नहीं बना रहा,
हाई कमांड उनको शराब देता था कि धुत हो जाओ नशे में और भूल जाओ आपने क्या किया था. दिस वॉज ऑफिशियल नाजी पॉलिसी. और ये जो हमास के लोग आए थे ये कैप्टागॉन ड्रग को लेके आए थे, इनकी जेबों में मिले थे. वॉट इज दिस सर? ये बड़े अच्छे लोग हैं, खड़े होके सारी दुनिया को हमास को अलग कर देना चाहिए. ठीक ठीक. अरे दानिश जी बोलेंगे अभी थोड़ा देर, आजादी की लड़ाई बोलने लगेंगे. ये भी बोलने लगेंगे महात्मा गांधी ने जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज उनको क्या बोलते थे. ये हमास को वही बोलेंगे, ये राशिद शरीफ साहब भी वही बोलेंगे. तो देखिए मैं बताऊं, अतिकुर रहमान साहब कहाँ बैठे हुए? अतिकुर भाई मुंबई में. हमारे दूसरे भाई क्या बोलते हैं, दानिश कुरैशी जी बैठे हुए हैं अहमदाबाद में, और हैदराबाद में बैठे हुए हैं राशिद शरीफ साहब. जो भारत से इसराइल की दूरी है लगभग 4500 किलोमीटर है, और इतनी दूर बैठे होने के बाद उनको सब पता है कि गाजा वाले जो कर रहे हैं हमास कर रहा है वो सही है, और जो इसराइल कर रहा है वो गलत है. इसराइल के लोग मारे गए, उनके लोग बंधक है. अब राशिद भाई ये जानकारी बढ़ गई, बिल्कुल सही है आपकी कि गाजा में अत्याचार हो रहा है, पर शुरू किस कारण से हुआ राशिद भाई, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेगा. बिल्कुल दीपक जी, मेरे को मेरे हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, मेरे को मेरे इंडिया के बारे में सोचना है. यहाँ पे 5 स्टेटों में इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में सोचना है. इधर है सो अभी जैसा कि अभी बताए कि हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सर तन से जुदा का नारा एक राजस्थान में इस्तेमाल हुआ है. इधर देखे तो गोली मारो सालों को ये नारा इस्तेमाल होता है. तो सर मैं एक छोड़िए, गाजा को छोड़िए, फलस्तीन को छोड़िए, आप इसराइल को छोड़िए, आज जहां का भी जहां का इलेक्शन हो रहा है मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं, मैं उसकी फिक्र रखता हूं. अरे हैदराबाद के भाईजान को समझाइए ना, फिलिस्तीन के पक्ष में रैली ना निकाले, वो समझाइए ना राशिद साहब, आपकी बात सुन लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं पता शायद ओवैसी साहब आपकी बात सुन ले, वो तो फिलिस्तीन के लिए रैली करा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लगाइए ना फोन उनको. पहले घर देखो यार, बाद में बाहर. दीपक जी पहले घर देखो, बाद में बाहर देखो. पहले घर का सबसे बड़ा मसले घर के है. आप देखिए अब चाइना कहां तक चले गया, कल के दिन यही डिबेट होगा, हमास होगा, फलस्तीन होगा, इसराइल होगा. अरे चाइना कहां तक चले गया, उसके लिए सोचो क्या कर रहे अपन, उसके लिए डिबेट लगाओ, उसको कैसा पिक्चर डालना है वो बात करेंगे अपन, उससे कैसा लड़ना है वो बात करेंगे. दानिश भाई को बोलिए ना ये बात मत करिए, गलत है, देश के खिलाफ है. बोलिए ना दानिश भाई को, बोलिए ना. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमारी बात देश की, हमारी बात देश की, हमारी बात हिंदू मुसलमान की, हमारे बात तरक्की की, हमारी बात. आज जहां जहां भी इलेक्शन हो रही पार्टी को पकड़ के गिलेवान पकड़, मेरे को नहीं लगता आप AIMIM को वोट देते हैं. गिलेवान पकड़ के उनका बात करो, आप AIMIM के समर्थक हैं कांग्रेस के? TRF का हूं. नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, BRS का MP लड़ा सो हैदराबाद में, असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ लड़ा सो मैं. मैं किसी को नहीं कर समर्थन नहीं करता. हाँ BRS का करते हैं आप? मुद्दों पे जो BRS का करते हैं आप 100%, क्योंकि हाँ TRS का करता हूँ 100% करता हूँ, क्योंकि काफी तरक्की TRS में हुई तेलंगाना में. आज नंबर स्टेट, नंबर वन स्टेट बना हुआ है हमारा. अल्हम्दुलिल्लाह पानी का, बिजली का, हर वो चीज मसला सॉल्व हुआ है. किसानों का मसला सॉल्व हुआ हमारे पास, कई बड़े काम हुए हमारे पास. तो ओवैसी साहब क्यों समर्थन करते हैं TRS का, ये भी बता दीजिए. TRS का ओवैसी साहब क्यों करते समर्थन उनका, ये भी बता दीजिए. नहीं सर, ओवैसी साहब का तो मेरे को पता नहीं है सर. मैं BRS का हूँ, MP लड़ासो हूँ. आज साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन ला वोट, आज है सो वाकई हमारा भी पक्ष हम रख रहे हैं साउथ इंडिया का, वो भी रखेंगे कि BRS के हक में रखेंगे. देखिए देखिए दानिश साहब, हैदराबाद से आवाज उठी है, भारत की चिंता करो, ये हैदराबाद से बड़ी अजीब आवाज उठ रही है, क्या चक्कर है? लगता है पकड़ कमजोर हो गई बैरिस्टर साहब की हैदराबाद देश में. सुनिए 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 सुनिए, अच्छा जवाब सुन लीजिए. दिक्कत क्या है कि कम से कम ये जो भाई साहब हैं वो ये समझते हैं कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि सिर्फ देश में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इस तरफ कांग्रेस हो कि भाई ये जाके चुनाव लड़ेंगे. मतलब हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे अलावा कोई चुनाव ही ना लड़े. भाई जिसको लड़ना है लड़े, वो सामने लड़ना चाहते हैं अच्छी बात है, साथ में लड़ना चाहते हैं अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं उनका. लेकिन हम मुकाबला जो है वो जमहूरी तरीके से करते हैं और जमहूरी तरीके से ही करेंगे.
बराबर। दूसरे नंबर की बात आप जो कह रहे थे, मैं आपको जवाब दूं। सवाल यह कि आपसे पहले एक बार और हम इस पैनल पे बैठे थे, तब दीपक बोहरा यहां बैठे थे। आज वो बड़ी सुहानी बातें कर रहे हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई अगर वो सरेंडर कर देता तो हम ये कर देते वो कर देते। लगभग पिछले हफ्ते में वो ये कह रहे थे कि रेशियो हमारा ये होना चाहिए 1:1000, मतलब एक बच्चे के सामने आप 1000 बच्चों को मार दीजिए, उसके बाद जाके अगर आप हिटलर की कब्र गाड़ कर जाकर रो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो अपने लिए। तो दूसरों के लिए भी इतना दर्द रखना अच्छी बात है, एक इंसान के तौर पर यह रखना जरूरी भी है। बोहरा साहब, आप बड़े हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये सोच उम्र के इस पड़ाव पे जाके ये सोच रखना। एक मिनट, दीपक बोहरा साहब, क्या आपने बात कही थी? एक मिनट, क्या आपने ये बात कही थी? और दूसरा, मैं जरा समझना चाहता हूं। दानी भाई, मैं बता दूंगा। मुझे बताया गया था कि हमास के लोग ड्रग्स लेते हैं, यहाँ तो लगता है कुछ और लोग ड्रग्स लेते हैं, और इनके सामने अफसाना है, हकीकत नहीं है। नहीं, अभी 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 आपका ड्रग अभी अच्छा ठीक हो जाएगा, जारी रखिएगा, मैं बताता हूँ। एम्बेसडर साहब कहिए, दारी जी रुक जाइए एक मिनट, प्लीज सम्मान करिए, अपने दायरे में रहिएगा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी इज्जत करिएगा। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अगेंस्ट यू सर, हम लोग डिप्लोमेट्स हैं, 50 साल मुझे कूटनीति में हो गए, शायद आप आइए मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा डिप्लोमेसी क्या होती है और पोलाइट कॉन्वर्सेशन क्या होता है। हम डिबेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन गलत चीजें कहना आपको शोभा नहीं देता। ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, आप किनको सीखने के लिए बोल रहे हैं? मैं सबसे सीखता हूं। सुशील पंडित जी जानते हैं, ये सीख जाएंगे, कभी नहीं सीखेंगे। कैप्टन सिकंदर साहब, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। दीपक बोरा साहब को अपनी बात कह लेंगे, सीखने पढ़ने की बात इनसे मत करा करिए। सुनिए दीपक बोरा जी का स्टेटमेंट, सुनिए ये दीपक वोरा जी का स्टेटमेंट सुनिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, दीपक वोरा जी अपनी बात कहेंगे। दीपक वोरा जी, अगर आपके हजार इजराइल में, सिर्फ इतना ही कहना चाहता था सर कि इसको अब ये इसको देखिए इनको, अगर ये मेरे को नहीं, आप कहिए सिर्फ आप स्क्रीन पे। तो सर इसमें जी मैं इतना ही कहना चाहता सर कि अगर इस जंग को खत्म करना, अगर हमास का दिल वाकई ही पैलेस्टीन के लोगों के लिए है, चले जाओ। और महमूद अब्बास, जिनका आपने जिक्र किया था, जिनसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, अबू माजिन, वो कहते हैं मैं तैयार हूँ वहाँ जाके हुकूमत करने को, लेकिन उनके भी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है हमास के साथ, क्योंकि हमास ने उनकी फतह ग्रुप को ठोक के बाहर निकाल दिया था। तो वो वापस जाने को तैयार है, और पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। ओस्लो अकॉर्ड्स की जो साइन किए थे उनसे पहले यासिर अराफात, ये उनके सक्सेसर हैं। तो ये हो सकता है सर, लेकिन ये हमास अगर तैयार हो जाए कि सच्चाई देखने के लिए कि जब तक मैं हूं इसराइल रुकेगा नहीं, तो मुझे चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे कैप्टन सिकंदर के साथ जाता हूं। कैप्टन साहब, आपने सबको सुना, आपका इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए भी वोरा साहब ने जो जिक्र किया था, वो दवा लेते हैं, इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। वो दवा की जो फैक्ट्री है जॉर्डन से शिप करके लाई गई थी गाजा पट्टी के अंदर, और जो दवा बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, जो डिप्रेशन की दवा है, वो बिल्कुल सच है ये कि वो दवा खा करके जोश में बाहर निकलाते हैं, आई एम किंग ये समझ करके निकलाते हैं, और हमले शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बच्चों को, वहाँ की औरतों को, हमास के लोगों को। इसी वजह से देख लीजिए, महमूद अब्बास साहब के भी बयान शुरू में बयान आ गया था कि साहब हमास ने जो है हमारा जो मिशन था उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, ये हमारा इरादा नहीं था, और हमास को उन्होंने जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया कि हमसे इनको मतलब ही नहीं, उनको नुकसान पहुँचा दिया। देखिए, हमास नशे की झोंक में रहते हैं, और रही बात वो जो 200 लोगों को कैद किया गया, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जरूर यहाँ पे दर्ज करना चाहूंगा अपनी बात को कि ये नई बात नहीं है, क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग दे रहा है ईरान दे रहा है, मैं बार बार ईरान का नाम ले रहा हूँ, ईरान ने 444 दिन 52 अमेरिकन को अपने क्या कैद करके रखा था। 4 नवंबर 1979 को स्टॉर्म किए थे वहां के मिलिटेंट और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को, और उसके अंदर एक मैं कह चुका हूं कि उसमें एक औरत जो थी वो भी प्रेग्नेंट थी, और वो मर्दों के बीच में, वो क्लर्कल स्टाफ था, कोई डिप्लोमेट नहीं था, कोई वहां का प्रेसिडेंट, वो एम्बेसडर नहीं था, कोई काउंसलर तक के नहीं था, सिर्फ क्लर्कल स्टाफ को उन्होंने 444 दिन कैद रखा। ये क्या था? वही देखिए, उन्होंने पिछली दफे जब 1985 के अंदर हाईजैक हुआ था एयरक्राफ्ट था TWA का, इन्होंने उनको कैद करके रखा था। ये इनकी अदा है, हमास ने सीखी, हमास को ये ट्रेनिंग दी गई है, हमास को ट्रेनिंग दी गई है कि आप ह्यूमन को शील्ड बनाइए, आप इनको जो है हॉस्टेज बनाइए, फिर उनको हम एक्सचेंज करेंगे, वही वो कर रहा है। लेकिन मैं एक बात, यहाँ एक लाइन कहूंगा जरूर, और एक पहले पिछले डिबेट में मैं इस चीज को बोल चुका हूं, अगर बहुत बात अगर इसी तरह बढ़ जाएगी
तो इसराइल वो कौम है इसराइली कि वो उन 200 लोगों की भी परवाह नहीं करेंगे, उनको कुर्बान चढ़ने देंगे लेकिन इनको ख़त्म जरूर कर देंगे हमास को, ये आप लिख के ले लीजिए, वो फिर परवाह नहीं करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनके यहाँ कुर्बानी का एक जज्बा है। और पुराना इतिहास देख लीजिए, अरब इसराइल का वॉर से देख लीजिए आज तक वो लोग करते चले आ रहे हैं। और ये जो बैठ करके यहाँ पे पैनल बना, ये सीनियर्स को इस तरह की बातें करते रहे, कम पढ़े लिखे लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमानों में बड़ी कमी है, मैं चैलेंज से कहता हूँ जो ज़्यादा पढ़ जाता है उतना ही बदअकल हो जाता है, ये मेरी बात को ले लीजिए आप। अतिकुर रहमान साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, वो रिसर्च कर रहते हैं। अतिकुर भाई क्या कहेंगे कैप्टन साहब की बात पर? ये अच्छी दवाइयों की बात हो रही है तो थोड़ी सी दवाइयों की बात कोई आगे बढ़ाते हैं ना दीपक जी। जब इराक में यूएन के डॉक्टर्स ने, चीफ वहां के जो मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने यूएस को एक पैगाम भेजा कि इराक में बच्चे पोलियो से ग्रस्त हो रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन भेजिए, उसी दौरान सेनेट ने, अमेरिकन सेनेट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मना कर दिया कि हम इराक के वॉर के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। ये रिजवी साहब भी अच्छी तरह से जानते होंगे और एम्बेसडर साहब भी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पता है अमेरिका ने क्या किया? जब सेनेट ने मना कर दिया कि हम इराक के वॉर के लिए पैसा नहीं देंगे और जो डॉक्टर की रिक्वेस्ट थी पोलियो वैक्सीन की, तो पोलियो वैक्सीन भेज दी गई भाई। जब यूएन के डॉक्टर्स ने इराक के अंदर पोलियो वैक्सीन के बॉक्सेस खोले तो उसमें ड्रग्स निकले एम्बेसडर साहब, तुरंत उन्होंने वहां पर मेल किया कि भाई हमने तो पोलियो वैक्सीन ऑर्डर किए थे, इसमें तो ड्रग्स भरे हुए हैं। तो क्या जवाब आया पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कि अभी फिलहाल क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है, ये आप ड्रग सप्लाई करके क्या लेना देना अमेरिका से, सौ गालियां निकाली मैंने इराक वॉर में, कहीं नहीं देखा, आगे पढ़ लीजिएगा मेरा कभी छपा हुआ है सब जगह, सौ गालियां निकाली इराक वॉर में मैंने उनको 32 दिन में। सिकंदर मैं पूछ रहा हूँ अतिकुर रहमान साहब, ये किस सन की बात है मुझे बताई तो जरूर, क्योंकि मैं उस दौरान में वही था, 16 साल में झक मार के नहीं आया हूँ। ये किस सन की बात है? इराक ईरान की वॉर की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं आप? ये किस सन की बात सब बताइए ना, कहाँ पे ये है? इराक में जब बमबारी कर रहा था 2003 था सर, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं जमीन पे था, मैं बगदाद में था उस टाइम पे। ये कहीं पे ऑफिशियल नहीं है। आपका रिसर्च बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है अतिकुर भाई, वही पैरा पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ऊपर नीचे पढ़ते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज।